जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सनातन। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबको सिखलाऊंगा नवांस कुंडली का दसवां घर क्या अद्भुत राज खोलेगा, इसके बारे में जानेंगे। नवांस कुंडली क्या होती है? नवांस कुंडली हमारी लगन कुंडली का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। नाइन्थ पार्ट, नौवां हिस्सा, सूक्ष्म विवेचना की जाती है तुम्हारी लगन कुंडली। नवांस कुंडली की इंपोर्टेंस हमारी जिंदगी में हमारी शादी के बाद बढ़ जाती है। हमारी आत्मा हम शादी के बाद किस तरफ ले जाती है, पत्नी से क्या प्रभाव मिलता है, ये नवांस कुंडली के द्वारा जाना जाता है। दशम बाप कर्म का बाप है, कर्म बाबा। दशम बाप हमारे कर्म के द्वारा जो हमें डेस्टिनी मिलती है उसका संबंध दशम बाप से है। यदि आपके दशम बाप में कोई ग्रह नहीं पड़ा, आपका काम का सामान्य रहेगा। दशम बाप का संबंध सरकार से भी है और राजनीति से भी है। यदि आपके दशम भाव में सूरज उच्च का, सब राशि का, सिंह राशि का, मित्र राशि का तो बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। ऐसे जातक मैंने अपने 40 साल के तजर्बे में पाया है। कई बार म्युनिसिपल कमेटी के सिंपल एक एमसी होते हुए कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंच जाती, बहुत बढ़िया योग होता है। इन्हें अपने पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है। अपने नवांस कुंडली देखें, यदि आपके नवांस कुंडली में सूर्य 10th हाउस में आ रहा है तो आपकी बल्ले बल्ले कर्मठ बने रहें, आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। संघर्ष करोगे कुछ भी मिलेगा, फैमिली की सपोर्ट पूरी मिलेगी। यदि सूरज शत्रु राशि में है तो क्या होगा? सूर्य नीच का है, शत्रु राशि में है, काम काज में अड़चने आएंगी, आपके डेस्टिनी में भी प्रभावित होंगे। इससे दशम भाव से हमारी पत्नी का चतुर्थ भाव दर्शाता है। यदि सूरज बढ़िया है तो आपकी पत्नी बहुत ही तीव्र बुद्धि वाली होगी, स्मरण शक्ति बहुत बढ़िया होगी और आपके साथ भी तालमेल अच्छा रहेगा। यदि सूरज नीच शत्रु राशि में है तो आपके बीच कला क्लेश जुड़ेगा, जिंदगी समझौते के द्वारा ही चलेगी। हम आगे बात करते हैं, आपके 10th हाउस में चंद्रमा आ गया। 10th हाउस शनि का घर है, इसमें चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं देगा। ऐसे लोग बार बार काम बदलते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं लेकिन काम बदलते हैं, अपने काम से संतुष्टि नहीं होती, 2-3 बार काम बदलते हैं। यदि आपका चंद्रमा 4 राशि में है, 1710 नंबर में है, तो आपको विदेश में नेटिव लैंड से दूर तरक्की मिलेगी, नेटिव लैंड में तरक्की नहीं मिलेगी। यदि चंद्रमा स्थिर राशि में है, लाख कोशिशें काट लें तो आपका वीजा ही नहीं लगेगा। फिर ध्यान से सुने, यदि आपका
चंद्रमा 10th हाउस में स्थिर राशि में है। स्थिर राशियां कौन सी हैं? 2, 5, 8 जन वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ। यदि इनमें चंद्रमा बैठा हुआ है आपको बीजे में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ये मैंने अपने तजर्बे में पाया। यदि द्विस्वाप राशियों में है तो आप कभी आप जाएंगे कभी आएंगे। द्विस्वाप राशियां हैं 3, 6, 9, 12। चंद्रमा वाले जातक थोड़े से इनको अपने काम में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज 10th हाउस में मंगल। यदि उच्च का मकर राशि का सब राशि मेष मृश्चिक राशि अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है तो जातक के बल्ले बल्ले, ऐसे जातक संघर्ष करके बहुत मेहनत के द्वारा IAS ऑफिसर बन सकते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकते हैं। मेहनत तो नहीं कर, लेकिन बहुत उत्तम योग है। यदि चंद्रमा मंगल शत्रु राशि में है तो काफी संघर्ष करना पड़ेगा, काफी संघर्ष। मंगल दशम घर में आपके निवास कुंडली में आ गया तो ये आपकी पत्नी जो है थोड़ी अग्रेसिव किस्म की, गुस्से वाली, बार बार वाद विवाद करने वाली। दशम घर में बुध क्या प्रभाव देगा? यदि बुध आपका उच्च का है या सब राशि का है या मित्र राशि का है, ऐसे जातक बहुत लॉजिक माइंड वाले होते हैं, एक से ज्यादा काम करने वाले होते हैं, स्वार्थी, कंजूस, कंफ्यूज्ड, हर चीज में अपना फायदा नुकसान देखने वाले होते हैं, हर चीज में अपना फायदा नुकसान देखने वाले होते हैं। 10th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है, 4th हाउस आपकी पत्नी का होगा। आपकी पत्नी बहुत तेज तरह चलाक किस्म की औरत होगी, वो कोई एडवाइजर, काउंसलर, डिबेटर, कोई डांसर, सिंगर हो सकती है। 10th हाउस में बृहस्पति देव 10th हाउस क्या प्रभाव देंगे? अक्सर मेरे से बहुत सारे लोग 10th हाउस में जुपिटर उच्च का है, बहुत नॉलेज है आपके पास, मल्टीपल आइडियाज है, लेकिन आप काम सिलेक्ट नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं, काम में प्रॉब्लम आती है। इसलिए बृहस्पति जिनका 10 नंबर में पड़ा हुआ है वो अपने आप को फोकस करें एक ही काम। कई बार मैंने देखा है बृहस्पति उच्च का है, साथ में केतु भी पड़ा हुआ है, काम की प्रॉब्लम है, काम होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? मल्टीपल आइडियाज है। तो यदि दसवें घर में बृहस्पति है तो आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा? पत्नी आपकी उसकी माता के साथ बहुत ही बढ़िया तालमेल होगा, वो बहुत गुणी होगी, नॉलेज होगी, आध्यात्मिक होगी। 10th हाउस में शुक्र क्रिएटिव, लग्जरी, कंफर्ट। तो 10th हाउस कर्म, 10th हाउस में शुक्र उच्च का बैठा है, सब राशि का मित्र राशि में आपकी हो जाएगी बल्ले बढ़िया। आप इंटरनेशनल फेमस सिंगर, डांसर, मॉडल, ब्यूटिशियंस, आर्किटेक्ट, कुछ भी बन सकते हैं। तो आपकी पत्नी यदि शुक्र बढ़िया है तो बहुत ही आपके साथ कोऑपरेटिव होगी, आपकी आंखों का ही सारा समझने वाली होगी। यदि शुक्र
मैलिफिक फैक्ट्स में है, शत्रु राशि में है, तो काम में प्रॉब्लम आएगी, अड़चने आएगी। तो आपकी पत्नी भी थोड़े से तेज़तर्रार होगी या आपके साथ थोड़े संबंधों में खटास रहेगी। टेंथ हाउस में सैचुरन, सैचुरन कर्म अनुशासन दर्शाता है, और टेंथ हाउस भी कर्म है। ऐसे जाते बहुत मेहनत होती है, शनि 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 आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला है। ये लोग बहुत धीमी गति से चलते हुए अपना रास्ता पकड़ते हैं, अपनी मंजिल तय करते हैं और अपने मुकाम तक पहुँचते हैं। मैंने कई कंपनी के सीईओ देखे हैं, मैंने कई ऐसे जातक देखे हैं जो कोई अपनी कंपनी के हेड हैं, ऐसे जातक इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखे। बहुत अच्छा है लेकिन संघर्ष बहुत कराता है, संघर्ष। इनकी पत्नी थोड़ी सी गंभीर किस्म की हो सकती है, सीरियस किस्म की हो सकती है, चिड़चिड़ी स्वभाव की हो सकती है, चिड़चिड़ी। यदि टेंथ हाउस में राहु है, राहु कर्म बाबा और राहु, यदि राहु अपनी राशि में है, बुध की राशि में है, शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, बहुत डिप्लोमेटिक राजनेता, करप्ट बेईमान राजनेता बन सकता। यदि राहु शत्रु राशि में बैठा है, राहु पर और मैलिफिक फैक्ट्स का साथ है, तो ऐसे जातक किसी भी तरीके से पैसा इनके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। छल कपट धोखाधड़ी बेईमानी, पैसा ही नहीं चाहिए। इनकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा उग्र किस्म का होता है, बहुत पैसा आएगा उसके पास लेकिन शांति की कमी रहेगी, लैक ऑफ पीस। नेक्स्ट इज टेंथ हाउस में केतु। मेरे पास हजारों लोग ऐसे आते हैं, ओम सर हमारे टेंथ हाउस में केतु है, क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी? बहुत लोग, सर केतु तो डिटैचमेंट सेपरेशन मोक्स को दर्शाता है, हमारे टेंथ हाउस में केतु आ गया। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर मेरे से पूछते हैं, ओम सर हाँ इसका जो मिलेगी, ये केतु टेंथ हाउस में डिटैच कराता है, ये बहुत मेहनत कराता है। एफ्टर 30 मैंने बहुत कामयाब इंसान देखे हैं, बहुत कामयाब इंसान सरकारी नौकरी भी प्राप्त करते हैं लेकिन मिलेगी लेट। अपने बिजनेस को कहीं से कहीं अपना एम्परर खड़ा करने वाले होते हैं लेकिन मिलेगा एफ्टर 30। ये है मेरे 40 साल का तजर्बे का नतीजा। जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज्योतिष का बोलबाला दुनिया में हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सनातन।